अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अमीन और इस टाइम मैं पोलो ग्राउंड में मौजूद हूँ। तो सुबह के वॉक के लिए आया था तो सोचा एक व्लॉग बना दूँ। ये मेरी ज़िंदगी का पहला व्लॉग है, इससे पहले मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया और एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, पर देखो कैसे जाता है। लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा एक्सपीरियंस, फिर आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते रहेंगे। तो मैं आज आपको पोलो ग्राउंड बताऊँगा कैसा है, क्या क्या लोग क्या कर रहे हैं और कितने लोग यहाँ पे हैं। तो वो देखे भाई अंकल लोग जो है वो कार्डियो कर रहे हैं, और इस तरफ आप देखे तो काफ़ी लोग जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं। ये पोलो ग्राउंड का नज़ारा है। तो मच एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा खूबसूरत मुर्गे इन लोगों ने रखी है यहाँ पे, बतखें सब कुछ यहाँ पे हैं। ये भी अभी अभी बनाए, ये फ्रिंजा इससे पहले तो कभी नहीं था लेकिन अभी अभी बनाए। ये देखिए जी, हेलो बता हाउ आर यू। ये देखिए जी, ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये मुझे हम लोग तीतर बोलते हैं इसको। और बाकी जो है ये देखो पैरेट, कितने खूबसूरत पैरेट हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये पैरेट जो है कभी पहले नहीं था लेकिन अभी अभी इन लोगों ने लाया है। ये देखिए जी, यहाँ पे मैं क्रिकेट खेल रहे। मैंने तो अपनी बारी मुकम्मल कर ली, लेकिन फिर भी कुछ खेला, ज़्यादा नहीं, बस दो तीन शॉट मार के एंड कर दिया। मुझे के सामने पी सी होटल है, मोइन पिक है, तो हम यहाँ पे वॉक करने आते हैं सुबह सुबह। और बहुत अच्छा खेल रहे, ज़बरदस्त खेल रहे। तीन बॉलर्स लगे हुए बाबा को आउट करने में नाकाम। बॉल कहाँ फेंक दी इसमें, बस एंजॉय हो रहे है भाई, आपके भाई का एंजॉय हो रहा है फिलहाल। ये देखे भाई, मौसम आज जो है ना बड़े मज़े का मौसम है, बड़े का मज़े का मौसम होने वाला है आज तो। मौसम आज बड़े मज़े का था तो सोचा कि चलो एक वो सामने गवर्नर हाउस है, और इसी के साथ जो है बराबर में सीएम हाउस है और चीफ मिनिस्टर हाउस है। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। अच्छा जी, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ आज। शॉट डालूंगा अपनी बैटिंग के, देख लेंगे। अच्छा जी, क्रिकेट विकेट सब कुछ हो गया, वॉक भी कर लिया, क्रिकेट भी हो गया, सब कुछ जो है ना ज़बरदस्त हुआ। लेकिन मुझे एक हैरानी इस बात की हो रही है कि जो पोलो ग्राउंड है जो कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर है,
और इसकी जो मैं अब एंटर कर रहा था तो मुझे दो पर्चियाँ दी गई, एक मेरी और एक मेरी गाड़ी की। तो मतलब मेरे 40 रुपये उन्होंने चार्ज किया एक दफा आने का। तो अगर दो पर्चियाँ दी मुझे तो इनको दो पर्चियाँ नहीं देनी चाहिए थी, इनको एक पर्ची देनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने एक पर्ची नहीं दो पर्चियाँ दे दी। अब वो बाइक के अलग ले ली और मेरा किराया अलग ले लिया और बाइक का अलग ले लिया। तो वैसे नहीं करना चाहिए, एक पर्ची जो है ना देनी चाहिए, पहले तो देनी नहीं चाहिए क्योंकि सरकारी पार्क है, गवर्नमेंट की है, कोई प्राइवेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आवाम के पैसों से, आवाम के टैक्स से बना हुआ पार्क है, तो पैसे लेने नहीं चाहिए। और फिर ले भी तो कम पैसे ले, 20 रुपये ले, 10 रुपये ले, तो फिर भी ठीक है। वैसे इन बात को जो है ना कोई मैं सियासी तौर पे नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ, आवाम की बात कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए आवाम के साथ। तो उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मेरा फर्स्ट व्लॉग था, मुझे ना कोई मोबाइल पकड़ने का तरीका आता है, ना कोई मेरे को जो है ना एडिटिंग का तरीका आता है, कुछ भी नहीं, बस उठा और चला और मोबाइल उठाया और व्लॉगिंग शुरू किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और जो है ना मोटिवेट हूँ और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकता हूँ। जब तक आप और वीडियो देखोगे तो इंशाल्लाह उसमें जितना भी मैं अच्छा करने का और अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करूँगा कि मज़ीद अपनी वीडियो में अच्छाई और इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप को, और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया, बाय।